अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारा थर्ड लेक्चर आपको कॉपी वर्क जो है वो मैंने सेंड कर दिया, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, वो आप देख लीजिएगा और उसको जो है वो लिख लीजिएगा कॉपीज पे। लास्ट हमने जो है वो सिग्निफिकेंस ऑफ फॉरेस्ट फॉरेस्ट पढ़ा था, आज जो है हम वाइल्ड लाइफ इन पाकिस्तान पढ़ेंगे पेज नंबर 72 पे। वाइल्ड लाइफ हमारे पाकिस्तान में कहाँ कहाँ है हम उसको जो है वो डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में, और इसके अलावा हमारे आगे जो है वो जो नेचुरल रीजन ऑफ पाकिस्तान है हम उसको में से भी जो है वो कुछ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ये कि थोड़ा सा रिकॉल करवा दूँ कि लास्ट लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि जो हमारे नॉर्दर्न एरियाज हैं, नॉर्दर्न एरियाज मीन मरी, एबटाबाद, नारान, कावान, गिलगित वगैरह के जो एरियाज हैं ये माउंटेनियस रीजन है हमारा, और यहीं जो है हमारे जो फॉरेस्ट है ज़्यादा तादाद में वो वहाँ है, नॉर्थ में ही है। तो वो जो हमारे नॉर्थ में नॉर्दर्न पार्ट ऑफ पाकिस्तान जो है जहाँ माउंटेन रेंजेज हैं, तो वहाँ ये तीन बड़ी माउंटेन रेंजेज हैं जो कराकरम, हिमालय और हिंदूकश है। अब जहाँ फॉरेस्ट होगा तो लाजमी बात है वहाँ वाइल्ड लाइफ भी होगी। तो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ पाकिस्तान में जो एनिमल्स जो या वाइल्ड लाइफ है वो कौन कौन सी हैं, स्नो लेपर्ड्स हैं, ब्लैक बियर है, मारखोर, वुल्फ, ब्राउन बियर, वाइल्ड गोट, डियर, पार्ट्रिज, पार्ट्रिज कहते हैं तीतर जिसको हम उर्दू में कहते हैं वो, मारखोर और नेशनल एनिमल, ठीक है। तो ये सारे जो एनिमल्स हैं ये जो वाइल्ड लाइफ है ये वाइल्ड एनिमल्स ये नॉर्दर्न पार्ट ऑफ पाकिस्तान में जो है ये पाए जाते हैं। अच्छा जी, आगे चले तो पोटवार प्लेटू एंड लेस हाई माउंटेन स्लोप्स प्लेन एंड डेजर्ट एरियाज ऑफ पाकिस्तान। अब ये पोटवार प्लेटू जहाँ हम इस्लामाबाद में मौजूद हैं, रावलपिंडी इस्लामाबाद का जो एरिया है पोटवार का, तो यहाँ और जो लेस हाई माउंटेन रेंजेस हैं, प्लेन एरियाज हैं, ये डेजर्ट एरियाज हैं, वहाँ कौन कौन से एनिमल्स हैं उनके बारे में भी हम जो है इसमें डिस्कस करते हैं। ये आपके पेज नंबर 72 में सेकेंड पैराग्राफ है, वहाँ से ये है लिया, उसकी जो है वो मैंने पॉइंट्स यहाँ बना लिए, तो आप वहाँ से बुक से देख सकते हैं, ये पिक्चर्स बनी होंगी वहाँ। यहाँ जो एनिमल्स मौजूद हैं उनमें मंकीज हैं, रेड फॉक्स हैं, लेपर्ड्स हैं, चकोर, पार्ट्रिज, पीकॉक और जो लोकल बर्ड्स हैं, ये पठार की बात हो रही है कि जो एनिमल्स इस एरिया में पाए जाते हैं। आप देखते हो ना इस्लामाबाद में मार्गला हिल्स में जो है वो मंकीज वगैरह बहुत ज़्यादा है, लेपर्ड्स, ये आजकल भी न्यूज़ में आ रहा है कि इस्लामाबाद के अंदर जो है वो लेपर्ड्स वगैरह जो है वो देखे गए हैं। तो ये सारे जो है ये वाइल्ड लाइफ जो है वो वाइल्ड एनिमल्स जो है वो इन एरियाज में पाए जाते हैं पोटवार के। जो प्लेन एरियाज ऑफ पाकिस्तान है उसमें कौन कौन से एनिमल्स हैं, उनमें जैकल्स हैं, हाइनाज हैं, वोल्व्स हैं। जैकल्स जिनको हम कहते हैं गीदड़, हाइनाज, लगड़ भगड़, वोल्व्स, भेड़िए वगैरह, ये हमारे प्लेन एरियाज में पाकिस्तान में पाए जाते हैं। ये आज भी जो है हालांकि ये बहुत कम हो चुके हैं लेकिन ये अब भी जो है वो कुछ एरियाज में जो है वो हमारे मौजूद है। डेजर्ट एरिया ऑफ पाकिस्तान जो है एनिमल्स जो यहाँ पाए जाते हैं पीकॉक, मारखोर, ये बलूचिस्तान की साइड में मारखोर जो है ये ज़्यादा, वाइल्ड शीप, चकोर, पार्ट्रिज एक्सेट्रा वगैरह, ये जितने आपके एनिमल्स हैं ये डेजर्ट एरिया ऑफ पाकिस्तान में पाए जाते हैं बलूचिस्तान के, और स्पेशली ये जो ड्राई और बैरन माउंटेन रेंजेस है ना बलूचिस्तान की, वहाँ ये मारखोर जो है नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान है, और ये चकोर नेशनल बर्ड है, चकोर यहाँ जो मौजूद है लिखा हुआ, ये नेशनल बर्ड ऑफ पाकिस्तान, ये आपके पेज नंबर 73 के ऊपर इनकी पिक्चर्स मौजूद है, आप वहाँ से इनकी पिक्चर्स देख सकते हैं। वैसे नेट से भी आप सर्च कर सकते हैं कि जो हमारे नेशनल बर्ड्स हैं, नेशनल एनिमल है और जो नेशनल थिंग्स हैं पाकिस्तान की वो कौन कौन सी हैं। तो ये वाइल्ड लाइफ के हवाले से एक छोटा सा हमारा चैप्टर था, थोड़ा हेडिंग थी जिसमें ये बताया गया था कि वाइल्ड लाइफ पाकिस्तान में किस किस एरियाज में कौन कौन से जो है वो एनिमल्स जो है वो पाए जाते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो नेचुरल रीजंस ऑफ पाकिस्तान, देयर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्रॉब्लम्स है पेज नंबर 74। अच्छा, इसमें एक और चीज़ मैं आपको बता पीछे वाले में रहेगी बताना, वो ये कि हमारे वाइल्ड बर्ड्स जो हैं, वाइल्ड बर्ड्स में हमारे पास जो है वो मुख्तलिफ है, जिसमें फैल्कन्स वगैरह हैं और कुछ जो है वो सीजनल बर्ड्स हैं जो माइग्रेट करके आते हैं साइबेरिया से
विंटर में, और फिर यहाँ पाकिस्तान में जो है वो जो लेक्स है पाकिस्तान की कोल्ड एरियाज की लेक्स है वहाँ वो रहते हैं, और फिर जब यहाँ मौसम चेंज होता है तो वापस वो माइग्रेट कर जाते हैं। तो ये चीजें जो है वो इस वक्त जो है वो पाकिस्तान में मुख्तलिफ वाइल्ड लाइफ जो है वो मौजूद है। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था, इसको हमने देखा। अब आगे हम चलते हैं 74 पेज पे आपका, नेचुरल रीजंस ऑफ पाकिस्तान देयर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्रॉब्लम्स। टोटल जो आपका ये हेडिंग है, ये पेज नंबर 74 से स्टार्ट हो रही है और 79 पे जाके खत्म होगी। तो हम जो है उसको बीच बीच में से जो है वो पढ़ेंगे। पाकिस्तान कैन बी डिवाइडेड इनटू 5 नेचुरल रीजंस। पाकिस्तान के टोटल कितने रीजंस हैं? नेचुरल रीजंस 5 हैं। प्लेन रीजन, डेजर्ट रीजन, कोस्टल रीजन, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन, ड्राई एंड सेमी ड्राई माउंटेन रीजन। हम एक एक को अब जो है वो डिटेल डिस्कस करते हैं। प्लेन रीजन्स पेज नंबर 74 से 76। अच्छा, प्लेन रीजन्स के बारे में मैं आपको बता दूं कि आपका पेज नंबर इसी चैप्टर का, चैप्टर नंबर 3 का पेज नंबर 61 पे प्लेन रीजन्स मौजूद, प्लेन्स की हेडिंग थी वहां, वो हमने नहीं पढ़ा था। उसकी वजह ये थी कि ये आगे भी रिपीट हो रहा था, मैंने कहा एक साथ ही जो है या तो वो चीजें रिपीट हो जाएंगी, डबल हो जाएगा, या यहाँ हम कर ले, तो फिर वहां मैंने उसको एक्सप्लेन नहीं किया। तो अब उसको हम यहाँ एक्सप्लेन कर रहे हैं प्लेन रीजन्स को। जी, तो पाकिस्तान के कितने प्लेन रीजन है? 3 प्लेन रीजन्स आर फाउंड इन पाकिस्तान। प्लेन एरियाज ऑफ पंजाब इज कॉल्ड अपर इंडस प्लेन। एक पंजाब है जी जिसको अपर इंडस प्लेन कहा जाता है। प्लेन एरियाज ऑफ सिंध इज कॉल्ड लोअर इंडस प्लेन, और जो सिंध का एरिया है वो लोअर इंडस प्लेन कहलाता है। अब पहले जो है वो इन दोनों को डिस्कस करते हैं, फिर हम तीसरे पे आएंगे। तीसरा ऐसी जो है ये प्लेन रीजन्स ऑफ केपीके एंड बलूचिस्तान आते हैं आपका। अच्छा, अब अपर इंडस प्लेन जो है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? ये साउथ ऑफ पोठोहार प्लेटू से स्टार्ट होता है, और मिठन कोट सिटी है एक पाकिस्तान की, वहां तक जो है ये अपर इंडस प्लेन कहलाते हैं। और वो एरिया जो मिठन कोट से नीचे सिंध की तरफ है, और ठट्टा सिटी है ये सिंध की, और यहाँ जो है ये आपका अरेबियन सी भी है, और उसके साथ ये टच होता है, समंदर भी है यहाँ। तो वहां तक का जो एरिया मिठन कोट से लेकर ठट्टा तक का, ये क्या कहलाता है? लोअर इंडस प्लेन कहलाता है। ठीक है, अपर इंडस प्लेन ये कहाँ से स्टार्ट होता है? साउथ ऑफ पोठोहार प्लेटू से लेकर मिठन कोट तक का जो एरिया है वो इसमें आता है, और देन मिठन कोट से लेकर जो एरिया ठट्टा तक का है वो लोअर इंडस प्लेन कहलाता है, और देन फिर आगे जो है वो प्लेन रीजन्स ऑफ केपीके है। ठीक है, अब हम हर एक को डिटेल डिस्कस करेंगे, प्लेन रीजन्स ऑफ पंजाब को जो अपर इंडस प्लेन है, और फिर देन लोअर इंडस प्लेन है, और सारे जो है वो हम इसको डिस्कस करेंगे। ये हमारे नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो इसमें होगा। इसमें यहाँ तक ही हमने सिर्फ करना था कि आगे जो है वो आपको बताऊंगा मैं कि अपर इंडस प्लेन क्या है, लोअर क्या है, और फिर इसके बाद जो ये हमारे 5 नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इनको हम जो है वो डिटेल जो है वो डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक जो है आज का जो लेक्चर था हमारा, इसमें हमने वाइल्ड लाइफ के बारे में पढ़ा कि वाइल्ड लाइफ पाकिस्तान में कहाँ कहाँ जो है वो हमारे वाइल्ड एनिमल्स हैं, और कौन कौन से एनिमल्स पाए जाते हैं। देन फिर जो है हमने नेचुरल रीजन्स ऑफ पाकिस्तान जो है उनको देखा कि पाकिस्तान के जो है वो 5 नेचुरल रीजन्स हैं, जिनमें से हमने आज जो है वो इस लेक्चर में प्लेन रीजन को देखा कि प्लेन रीजन में हमारे पास 3 में जो है वो इसके टाइप्स हैं। नंबर 1 प्लेन रीजन्स ऑफ पंजाब जिसको अपर इंडस प्लेन भी कहते हैं, उसके बाद जो है वो आपका प्लेन रीजन ऑफ सिंध जिसको लोअर इंडस प्लेन भी कहा जाता है, और देन प्लेन रीजन्स ऑफ केपीके और बलूचिस्तान जो है वो हमने इसमें देखा। तो लोअर अपर इंडस प्लेन कहाँ से स्टार्ट होता है? पोठोहार प्लेटू से मिठन कोट तक। लोअर इंडस प्लेन कहाँ से स्टार्ट होता है? मिठन कोट से ठट्टा तक, और उसके बाद जो है वो आपके आगे कोस्टल एरिया जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ तक ये हो गया। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको प्लेन रीजन्स को डिटेल जो है हम उसको डिस्कस करेंगे।